हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका आज की सुप्रभात कार्यक्रम में। तो जो सुप्रभात कार्यक्रम है उसमें हम जो है ना अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं, अच्छे अच्छे हमारे जो धर्म ग्रंथ में है, शास्त्र में है, उस तरह की प्रेरणाप्रद कहानियां जो है वो सुनते हैं, और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमारा पूरा दिन कैसे बने रहेगा उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखिए, जो भगवान की बातें हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं, वो जो है ना बहुत ही सुंदर है, और किसी को भी दिन भर जो है ना सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आइए सुनते हैं आज एक अच्छी सी, जो मतलब हम ये कहानियाँ नहीं है, ये हमारे धर्म ग्रंथ में है, ये हमारे शास्त्र में है, और ये सब जो है हमें दिन प्रतिदिन की जो हमारे दिनचर्या है उसमें हमें मतलब उसमें सहायता करता है कि कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, जो आप सब जानते हैं कि द्रौपदी जो है पंच पांडव जो थे, पांच पांडव थे, उनके पत्नी थी, और अर्जुन उसको स्वयंवर में जीत के लाए थे। तो जब अर्जुन जा रहे थे द्रौपदी के स्वयंवर के लिए, तो श्री कृष्ण जो है उनके सखा थे, तो श्री कृष्ण जो है समझा रहे हैं अर्जुन को कि देखो ऐसा है, तुम ना अपने आप को संभाल के ले जाना वहाँ पे, और वहाँ पे जब वो तराजू पे जब पैर रखोगे ना तो बिल्कुल संभल संभल के रखना, और जब तुम मछली को देख के तीर लगाना है तो तुम मछली को बिल्कुल मछली को ही देखना, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, अपना जो नज़र है ना बिल्कुल मछली की आँख पे टिकाना, और अपने आप को बचाना भी है, तुझे तराजू पे ठीक से खड़े भी होना है। तो ये सब बोल बोल के चल रहे हैं कृष्णा जो है अर्जुन के साथ। तो अर्जुन सुने, थोड़ी देर बाद बोले, कृष्णा सब कुछ मुझे ही करना है क्या, और ये सारा कुछ ध्यान रखना करके आपने कितने सारी बातें बता दी। तो कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसा है कि कुछ मैं भी करूँगा, चिंता ना कर, तू इतना तो कर ले। तो उसके बाद अर्जुन कहते हैं फिर आप क्या करोगे, मैं तो ये सारा कुछ ध्यान रखूँगा, फिर आप क्या करोगे। तो कृष्णा कहते हैं देख, जब तुम मछली की आंखों पे तीर चलाओगे तो उस टाइम जो है ना मैं, तू तो मछली की आंख को तो देख नहीं पाएगा, तू तो देखेगा नीचे पानी में, जब तू पानी में देखेगा और उस पानी को बिल्कुल ही स्थिर रखना होगा, और वो पानी को स्थिर रखने का काम वो मैं करूँगा। तो जब पानी स्थिर होगा तभी तो तुझे मछली का आंख दिखाई देगा, नहीं तो तीर तेरा कहीं और जाएगा बेटा। तो कहने का मतलब है हम लोग एड़ी चोटी की जोर लगा ले, कितने भी ऐसे काम कर ले जो बहुत बड़े बड़े काम सोच के हम कर ले, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ भगवान ही करते हैं, और जब तक हम भगवान का सहायता हमें मिलता नहीं है हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम, हमारी जो कैपेसिटी है, जो काम करने की शक्ति है, वो भी हमें भगवान से ही मिलता है, और तब तक वो पूर्ण नहीं होता जब तक भगवान की सहायता नहीं मिलता है। तो फिर क्या सोच रहे हैं आप, भगवद गीता का कौन सा श्लोक है? अरे भगवान क्या कहते हैं, ममे वांसु जीवलोके जीव भूत सनातन, है ना, भगवान कहते हैं ममे वांसु जीवलोके जीव भूत सनातन। कहने का मतलब है कि सनातन काल से जीव जो है मेरा अंश है। तो और क्या कहते हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो अर्थात इस जीव जगत में जितने भी जीव है सब मेरे अंश है, और सनातन काल से मेरे अंश है, और जो इस बद्ध जीवन को जी रहे हैं, जो अपनी इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, और इसमें मन भी सम्मिलित है, तो मन ही तो है जो हमें इधर उधर की बातों में
भटका देता है कि हम जो है सब जानते हैं, हम जो है सब कर सकते हैं, हम तो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, हम तो सबसे ज़्यादा कैपेबल है, ये बोलता है। लेकिन भगवान की सहायता के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए, निरंतर उनका नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।